रहमान, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ एक मज़ेदार सा मीठा जिसका नाम है एप्रिकॉट डिलाइट। इसे बनाना बहुत आसान है और रमज़ान में भी ये बहुत मज़े की लगती है रेसिपी। आप लोग रमज़ान में पार्टीज़ वगैरह में भी बना सकते हैं ये रेसिपीज। इसे बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें ये हैं। मैंने एक प्याली खुबानी ली है, इसे मैंने धो के अच्छी तरह धो के गर्म पानी में भिगो दिया था 5 से 6 घंटे के लिए। और ये मैंने इंजीर लिए, ये भी एक प्याली मैंने इंजीर लिए, इसे भी मैंने धो के भिगो दिया था 5 से 6 घंटे के लिए। और ये कुछ पिस्ते बादाम लिए हैं मैंने गार्निशिंग के लिए। और ये चीनी है, आधी प्याली मैंने चीनी ली है। और ये कस्टर्ड पाउडर है, 3 से 4 चमचे इसमें कस्टर्ड पाउडर जाएगा। और ये फ्रेश क्रीम है, एक प्याली मैंने फ्रेश क्रीम ली है। और ये 1 लीटर मैंने दूध बॉयल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने दूध ले लिया, इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर डालूंगी, इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। जी मैंने इसको कस्टर्ड को अच्छे से डिसॉल्व कर दिया, एक प्याली कस्टर्ड मैंने लिया था, सब डिसॉल्व कर दिया मैंने। और अब मैं दूध में पहले चीनी डालूंगी। चीनी हम कम ही डालेंगे क्योंकि खुबानी मीठी होती है, और खुबानी में भी मैं चीनी डालूंगी। मैंने इसमें 3 चमचे डाले हैं चीनी के, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी इसमें हल हो जाएगी तो मैं इसमें कस्टर्ड डालूंगी। चीनी डिसॉल्व हो गई है, अब मैं इसके अंदर कस्टर्ड डाल रही हूँ। और हम इसे बराबर चलाएँगे ताकि इसमें लम्ब्स वगैरह ना पड़े। और कस्टर्ड बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे आप। कस्टर्ड तैयार हो जाएगा तो हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे और फिर हम इसे खुबानी को तैयार करेंगे। जी मैंने थोड़ा सा पचा लिया था, लेकिन इसमें मैं सारा डाल देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा पतला लग रहा है। अब इसे हम 2-4 मिनट पकाएंगे, फिर हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। जी मैंने चीनी चेक करी थी, मुझे चीनी कम लग रही थी। जो पकिया चीनी है आधी प्याली मैं और डाल रही हूँ उसमें, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी। जी कस्टर्ड रेडी हो गया, अब मैं इसे चूल्हे से हटा लेती हूँ और ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। जी अब मैंने एक पैन लिया है, इस पैन में मैंने इंजीर और ये खुबानियाँ दोनों डाल के और थोड़ी सी मैं चीनी डाल के इनको अच्छे से पकाऊँगी और खूब अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। जी मैंने 2 चमचे चीनी ली, ये चीनी मैं इसमें डाल दूँगी और इसे बहुत अच्छी तरह हम पकाएंगे और ख़ूब अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसको भी ठंडा करेंगे और लेयर लगाएंगे इसके बाद। जी व्यूअर्स, इसे मुझे पकाते हुए 1/2 घंटा हो गया। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पकाया था हल्की आँच पर, और अब ये एक प्यूरी सी बन गई है। और मैंने इसे बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया, इसके थोड़े थोड़े मैंने चंक्स रहने दिए ताकि मुँह में आए तो अच्छे लगें। आप चाहें तो सिर्फ खुबानी भी ले सकते हैं, और मैंने इंजीर भी लिए, दोनों ही अच्छे लगेंगे। आप इसे मैं बहुत अच्छा सा ठंडा करके फिर मैं इसकी लेयर्स लगाऊंगी। जी व्यूअर्स, कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो गया है और ये क्रीम भी मैंने खूब अच्छी तरह व्हिप कर ली थी, और ये जो स्मूथी मैंने बनाई है ये भी बिल्कुल ठंडी कर ली है मैंने। जी मैं पहले कस्टर्ड डालूँगी इस बाउल में, हम थोड़ा सा डालेंगे कस्टर्ड इसमें। इसके बाद हम ये खुबानी डालेंगे जो हमने इसका पेस्ट बना लिया था अच्छा सा। Oh.
ब्रेड बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़े का बना है, बहुत यमी है। आप रमज़ान में और ईद पर ज़रूर बनाइएगा और अपने मेहमानों से वाह वाह समेटिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।